फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, शनि जयंती का दिन इन पांच राशि वालों के लिए बेहद ही खास। शनि देव की कृपा से बनेंगे बिगड़े काम। जी हाँ दोस्तों, शनि जयंती का दिन शनि देव के उपासों के लिए बहुत ही खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शनि देव की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शनि देव को कर्म फलदाता और न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। माना जाता है कि शनि देव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें खास उपाय से शनि देव को प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों इनमें से एक दिन है शनि जयंती। जी हाँ, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। दोस्तों शनि जयंती के दिन शनि देव की विधि विधान से पूजा करना अति लाभकारी माना गया है। शनि जयंती के पावन पर्व पर जाने शनि देव की किन राशियों पर रहती है असीम कृपा और किन राशि के जातों पर शनि ढैया या साढ़े साथी का कम या भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यह जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, शनि करीब ढाई साल से एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही कुछ राशियों पर शनि की साढ़े साथी या शनि ढैया प्रारंभ होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हर ढाई साल में शनि की कृपा दृष्टि राशियों पर बदलती रहती है। तो दोस्तों चलिए जानते दोस्तों ऐसे कुछ खास राशियाँ जिससे पता चले कि इन राशियों पर भगवान शनिदेव की कृपा है, असीम कृपा है। तो चलिए जानते दोस्तों ऐसे कुछ खास राशियाँ। तो दोस्तों पहली राशि आती है मकर राशि। जी हाँ, शनि मकर राशि के स्वामी है, इसलिए यह भगवान शनि द्वारा सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त राशियों में से एक है। मकर राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साथी या ढैया का प्रभाव कम से कम पड़ता है। दोस्तों माना जाता है कि मकर राशि के लोगों में मजबूती, तर्क और नेतृत्व गुण होते हैं। और दोस्तों लग्न के जातक अपने कार्यस्थल, व्यवसाय या राजनीति में शनि की कृपा से फलते फूलते हैं। तो दोस्तों दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र द्वारा शासित है और शुक्र और शनि मित्र ग्रह है। परिणाम स्वरूप शनि इन राशि वालों को हमेशा सकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। शुक्र की दशा और शनि देव के आशीर्वाद से इस राशि के जातक सफलता, समृद्धि, प्रसिद्धि, आध्यात्मिकता और आनंद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों तीसरी राशि है तुला राशि। दोस्तों तुला राशि शनि के उच्च राशि में से एक है और वह हमेशा तुला राशि में ही उच्च अवस्था में रहते हैं। तुला राशि दोस्तों तुला राशि के जातकों को शनि देव की विशेष कृपा और कृपा प्राप्त होती है। जातकों द्वारा दिए गए अच्छे कर्मों के साथ साथ जानवरों और जरूरतमंदों पर दया करने से उन्हें अपार सफलता, पैसा, प्रसिद्धि और खुशी मिलती है। शनि ग्रह उन्हें बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और वे इससे कम परेशान होते हैं। कर्क राशि के जातक कला, लेखन, पत्रकारिता और सरकारी नौकरी जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में अपार सफलता, सम्मान और धन प्राप्त करते हैं। जब शनि बृहस्पति के दूसरे, पांचवें, नौवें और बारहवें भाव में स्थित होता है, दोस्तों कर्क राशि वाले हमेशा अपने परिवार और माता पिता का समर्थन करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, और ये गुण उन्हें अपार सफलता और खुशी प्रदान करते हैं और उन्हें शनि की साढ़े साथी, ढैया, अंतरदशा या मादशा के हानिकारक प्रभाव से बचाते हैं। तो दोस्तों चौथी राशि आती है कुंभ राशि। दोस्तों इस राशि का स्वामी होने के कारण शनि लग्न के जातकों पर हमेशा अपनी कृपा और कृपा बरसाते हैं। दोस्तों कुंभ राशि के जातकों को भगवान शनि की कृपा के कारण धन और प्रसिद्धि की कमी का अनुभव शायद ही कभी होता होगा। दोस्तों कुंभ राशि के जातकों ईमानदार और शालीन होते हैं और अगर लग्न सही रास्ते पर हो तो उन्हें औसत मेहनत के साथ ही बड़ी सफलता, प्रसिद्धि और प्यार और सम्मान प्राप्त होता है। क्या दोस्तों आप इनमें है शामिल? तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें, भगवान का शुक्रिया अदा जरूर माने और दोस्तों मनी मन ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप अवश्य करें।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम शनि शनिश्चराय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।